इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और जो सोल्यूशन हम ऑफर कर रहे हैं इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उसने बोला कॉन्टिनेंटल, हाँ कॉन्टिनेंटल ठीक है। तो आहिस्ते आहिस्ते काम शुरू किया, 3 थे, फिर 5 हुए, फिर 10 हुए। तो आपने अपना कर्म जो है करामा से शुरू किया? कर्म करामा से शुरू किया। मेरे पास पार्ट टाइम जॉब तो नहीं है, मगर आप इंश्योरेंस क्यों नहीं बेचते, बहुत पैसे बना सकते। जब मैंने छोड़ा एलिक को एज एन एजेंसी मैनेजर, तो लोगों ने सोचा कि ये क्या कर रहा है। इंश्योरेंस, इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर हूँ, तो मैं कितने डिफरेंट सॉल्यूशंस क्लाइंट्स को ऑफर कर सकता हूँ। जो मेरी विजन है उसका ये सिर्फ 10% है। क्या विजन क्या है आपका? व्हाट इज योर, इससे 10% ही ये है तो और बाकी का 90% क्या है? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोटिवेशनल है। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है। इस वक्त नज़ारा देख के आपको पता चल रहा है कि मैं दुबई में हूँ। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग आपको मेरे पीछे दिख रही है। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने कुएं से निकलने की हिम्मत की और समंदर में छलांग लगाने की हिम्मत की। दोस्तों, एक व्यक्ति जो भारत के दिल्ली राज्य में रहते थे, वहाँ से निकलकर वो दुबई में आए और एक लेबर का काम उन्होंने करना शुरू किया दुबई में। और आज वो दुबई में एक बहुत बड़े इंश्योरेंस एडवाइज़र बन चुके हैं। उन्होंने इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस लिया, पहले तो इंश्योरेंस एजेंट थे, फिर इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस लिया और आज करीबन 300 लोग उनके अंडर में काम करते हैं। बहुत बड़ा उनका ऑफिस है। अब मैं यहाँ से आपको लेके जाने वाला हूँ उनके ऑफिस में। बहुत ही बढ़िया ऑफिस है, उनका ऑफिस देखकर भी आपको बहुत मोटिवेशन आएगा, उनसे मिलकर भी, उनके बारे में जानकर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं उनके ऑफिस में और उनके ऑफिस को भी देखेंगे और उनके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। इनका नाम मिस्टर अशोक सरदाना है, कॉन्टिनेंटल नाम की कंपनी को चलाते हैं। तो चलिए चलते हैं अशोक जी के ऑफिस में, उनके ऑफिस को भी देखते हैं और उनके बारे में भी जानते हैं। आइए। हेलो अशोक जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वेलकम टू आवर ऑफिस। अभी मैंने जस्ट एंट्री किया तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है ना, तो पॉजिटिव वाइब आ रहा है। बहुत अच्छा नजारा है अभी, मेरे को मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई आपको देखने के लिए। चले चलिए, आपका विजन वाकई में बहुत बड़ा है। थैंक यू। दुबई में आप काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे इंडिया से लोग अब आपके साथ में जुड़ रहे हैं, आप इंडिया में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो ये विजन कैसे आया आपके दिमाग में? इंडिया तो मेरी कंट्री है। आपकी कंट्री है? इंडिया नहीं, भारत। भारत तो, और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और जो सोल्यूशन हम ऑफर कर रहे हैं इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। उधर ऐसा कोई सोल्यूशन है नहीं, तो एक्सप्लोर तो करना है हमको। इतनी बड़ी मार्केट में अगर हम नहीं जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं। नहीं, तो आपको क्या लगता है, मीन्स काम करने के लिए दुबई में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, मीन इन टर्म्स जो लोग दुबई में आ रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो दुबई का मार्केट ज़्यादा बड़ा है या इंडिया का मार्केट ज़्यादा नहीं बड़ा? अगर ये हमारे एडवाइज़र्स इंडिया से या कहीं से भी इधर आएंगे तो दुबई तो प्लेटफॉर्म है, तो इधर से वो इंडिया बेच सकते हैं। अगर आप उनको श्रीलंका बेचना है, यूरोप में बेचना है, कहीं पे भी बेचना है, तो यहाँ से दे कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू ऑफर दी सॉल्यूशन टू एनीवन, टू द क्लाइंट्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली जो लोग हैं जी, प्लेटफॉर्म तो दुबई है बट जो लोग हैं वो उन लोगों को सेल करने के लिए इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट। इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट। सो अशोक जी, ये जो आपका एरिया है, ये जिस एरिया यहाँ पे, मतलब आपके सेल्स डिपार्टमेंट है, कैसा है? इधर एडमिन डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये पूरा एडमिन डिपार्टमेंट? एडमिन डिपार्टमेंट है, मेडिकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, क्लेम्स, वो सब इधर बैठते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा? एडमिनिस्ट्रेशन इधर। सो अशोक जी, आपका अभी तो मैंने पूरा ऑफिस देखा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कितना बड़ा ऑफिस है, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं,
ये कब आपने जर्नी शुरू की थी, ये सब मतलब किस लेवल से शुरू की थी? नहीं, जर्नी तो शुरू 1994 में हुई थी, हमारा ऑफिस 94 में, 94 आपने ये कॉन्टिनेंटल शुरू किया था। तो करावा में एक हमारा छोटा सा ऑफिस था जिसमें चार लोग काम करते थे। अच्छा, छोटा सा ऑफिस था। तो आहिस्ते आहिस्ते कॉन्टिनेंटल नाम आपने कैसे दिया है? हाउ, ये नाम किसके दिमाग में है, आपके दिमाग में है? मैं जब कंपनी रजिस्टर करने गया तो उसने पूछा, मैनेजर जो था उसने पूछा क्या नाम। मेरे को ये पता था कि मेरे को कोई इंटरनेशनल नेम यूज़ करना है कि वो बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसने बोला कॉन्टिनेंटल, हाँ कॉन्टिनेंटल ठीक है, बस यही बात हुई। उसने बोला कॉन्टिनेंटल रख दो, मैंने कहा कॉन्टिनेंटल रख दो। उन्होंने सजेस्ट किया? हाँ, ऐसे सजेस्ट किया, कॉन्टिनेंटल अच्छा नाम है। मैंने कहा ठीक है, वो कर रहा है। तो कोई उसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब आपको ये था कि मेरे को काम करना है, नाम से कुछ नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम से क्या फर्क पड़ता नहीं तो फिर आप ने ये कंपनी आपने बताया कि 1995 में शुरू की, 1994 में शुरू की। तीन जने थे हमारे ऑफिस में छोटे। अच्छा, से वो तीन जन वो कौन थे? मैं था, मेरी एक सेक्रेटरी थी, असिस्टेंट, और एक और हमने जनरल इंश्योरेंस का आदमी था, वो मेरे साथ एलिको से आया। सो हम तीन जने थे। तो आहिस्ते आहिस्ते काम शुरू किया, तीन थे, फिर पांच हुए, फिर दस हुए। दस बारह साल पहले हम इस ऑफिस में, दस साल के करीब इस ऑफिस में हम शिफ्ट किए। अच्छा, और उससे पहले करामा में था? उससे पहले करामा में थे। तो आपने अपना कर्म जो है करामा से शुरू किया? कर्म करामा से शुरू और एक ऑफिस हमारा कल चलेंगे, बे स्क्वायर में भी है और DIFC में भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये ट्रेलर बोल सकते हैं, ये दिस जस्ट अ ट्रेलर? नहीं नहीं, ये मेन पिक्चर, ये मेन पिक्चर, मेन पिक्चर है। मेन पिक्चर का दूसरा भाग आप कल दिखाएंगे, वहां पार्ट टू वहां पे दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूबी, आई कांट डू ट्रेवल टुमारो बिकॉज टुमारो इज राइस बर्थडे। या सो टेल हिम नॉट टुमारो बट डे आफ्टर वी कैन। या ये हमारा डाइनिंग हॉल है। अच्छा, ओके। डाइनिंग हॉल और गेम रूम, हमारा पिंग पोंग टेबल है, अभी तो अंदर रखा हुआ है, इनको थोड़ी देर के बाद इधर खुल जाएगा तो सब टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया। और लंच के लिए, लंच के लिए, कॉफ़ी के लिए लोग अगर आते हैं, और क्लाइंट्स को भी हम बुलाते हैं तो बोलते हैं इधर आके उनको हम लंच सर्व कर सकते हैं। आपने गिटार भी रखा है आपने? हाँ, अगर आपको गिटार बजानी आती है तो चलती है। नहीं, बजाने आती तो नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा हाथ में लेना अच्छा लगता है। हाँ हाथ में लेना अच्छा लगता है। हाँ। इसका थोड़ा किसी ने लगता ज़्यादा ही अच्छे से बजा। क्या बात, क्या बात। नहीं तो मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपने बताया मैं इंडिया से हूँ, आप इंडिया से हैं, मेरे से हिंदी में बात कर रहे हैं, यू आर फ्रॉम इंडिया। तो आप दुबई में, आपका मतलब कैसे दिमाग में आया कि मैं दुबई, हाउ यू लैंडेड इन दुबई? 1977 12th October मैं दुबई में आया। 12 अक्टूबर 1970। हाँ, तो कैसे आपका दिमाग में आया कि मुझे दुबई? उस टाइम इंडिया में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो किसी ने हमें कोई वो एजेंट से इंट्रोड्यूस किया, लेबर सप्लाई एजेंट से। अच्छा। तो उसको मैंने 5,000 रुपये दिए, उसने मेरे को दुबई भेज दिया। अच्छा। पहले काम के लिए भेजा आपको? कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके। तो उधर मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम शुरू किया। तो एक दिन मैं एक साइट पे काम कर रहा था तो मैं दुकान पे गया, मैंने कहा आपके पास पार्ट टाइम जॉब है? उनका नाम मधुकर गांधी था। तो बोले मेरे पास पार्ट टाइम जॉब तो नहीं है, मगर आप इंश्योरेंस क्यों नहीं बेचते, बहुत पैसे बना सकते। तो मैंने कहा वो क्या होता है? अच्छा। तो उसने मेरे को किसी से इंट्रोड्यूस करवाया। कौन से साल की बात करें? 1978 ओके। तो हमने क्रेडिट एंड कॉमर्स इंश्योरेंस कंपनी में पार्ट टाइम काम शुरू किया, कुछ साल उधर किया, एक साल उधर काम किया, फिर हमने अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो 17 साल उधर काम किया एज ए एजेंट, एजेंट एजेंसी मैनेजर। व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम एलिको आई वाज द एजेंसी मैनेजर, आई वाज द प्रॉब्ली द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट एजेंसी इन द UAE।
अच्छा, जब मैंने छोड़ा एलिक को एज एन एजेंसी मैनेजर, तो लोगों ने सोचा कि ये क्या कर रहा है एज एन एजेंसी मैनेजर एलिक को में। तो वो होता था कि आपकी पेंशन बन गई, एजेंट्स काम करेंगे, आपको ओवरराइड मिलेगा, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था उस टाइम काम करने का, तो कॉन्टिनेंटल शुरू किया। कौन से साल में? 94 में आपको? हाँ। तो वाकई में आपका एक पेंशन वहाँ से जनरेट हो गया था? अगर मैंने अच्छा किया कि छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद एलिक को AIG में बहुत प्रॉब्लम हुए। अच्छा। और जो भी उधर एजेंट्स है सबको मुश्किल हो गई, तो मैंने अच्छे टाइम पे छोड़ दिया। हाँ, मगर उसके हिसाब से मेरी पेंशन बन गई। एक पेंशन थी आपकी? हाँ। लेकिन आपने वो पेंशन त्याग दी? नहीं, वो मज़ा नहीं आ रहा था काम। मज़ा नहीं आ रहा था। ओके। लेकिन वाकई में आपने पेंशन त्याग दी थी वहाँ से? पेंशन मतलब आपको काम करने की जरूरत नहीं थी, आपके एजेंट काम करते थे, तो कमीशन आ रही थी, आपको त्याग दिया, ओवरराइड आ रही थी, तो वो मैंने त्याग दिया। वो त्याग दिया आपने। मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब एक अच्छा आपका रेवेन्यू, आपके अंदर वो हिम्मत कैसे आई कि मुझे त्यागना है? क्योंकि जनरली कोई तो बहुत डिफिकल्ट मुश्किल होता है, मगर मेरे को वो बड़ी पिक्चर मैं देख रहा था कि मैं अगर इंश्योरेंस इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर हूँ तो मैं कितने डिफरेंट सॉल्यूशंस क्लाइंट्स को ऑफर कर सकता हूँ। जब मैं एलिको के साथ था मेरे को सिर्फ एक या दो सॉल्यूशन होते थे हमारे पास, प्रोडक्ट्स होते थे ऑफर करने के लिए। अभी जब हमने कॉन्टिनेंटल शुरू किया तो मेरे पास 20 प्रोडक्ट थे बेस्ट ऑफ द मार्केट, वो मैं क्लाइंट्स को ऑफर कर सकता था। सो आई न्यू दैट आई वॉज ऑफरिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस टू माई क्लाइंट, बिकॉज एवरी कंपनी स्पेशलाइजेज इन सर्टन सॉल्यूशंस जो उनके की सॉल्यूशंस होते हैं। तो मैं अगर एक इस कंपनी से ले लूँ, एक उस कंपनी से ले लूँ, मेडिकल कहीं और से ले लूँ, लाइफ कहीं और से ले लूँ, सेविंग कहीं और से ले लूँ, तो मैं क्लाइंट को बेस्ट सॉल्यूशंस ऑफर कर सकता था। मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में ये आ रहा है अशोक जी कि चलो ये आपने सोचा कि कॉन्टिनेंटल में जाऊँगा तो मेरे पास में जब अपना खुद का चालू करूंगा, ब्रोकिंग चालू करूंगा, तो मेरे पास में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, मैं अपने कस्टमर्स की जो है नीड को अच्छे तरीके से पूरा कर सकूंगा। लेकिन फिर भी आप एक एक्स बिजनेस छोड़ के आ रहे हो थे, तो आपके दिमाग में कोई विजन था, कुछ बड़ा था कि मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर दूंगा जो आज क्रिएट हो चुका है, ऐसा कुछ था आपके दिमाग में पहले? नहीं नहीं, जो अभी आप देख रहे हैं वो सिर्फ 10% ऑफ द अदर विजन। उस वक्त जो विजन था, जो उसका हुआ है, जो मेरी विजन है उसका ये सिर्फ 10% है, हुआ है। ओके। हाँ, अच्छा, अभी तो हमें आगे बहुत आगे जाना है आपके साथ मिलके। कोशिश यही थी कि शुरू से जब किया था कि वी हैव टू बी द बेस्ट इन द मार्केट, वी हैव टू ऑफर द राइट सॉल्यूशन, एंड वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि जब भी कोई एजेंट आए तो हम उसको हेल्प कर सकें टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल, so that he can offer the best solutions to his client and we become the market leader. वो शुरू से यही था और अभी भी यही है, that we have to become the market leader, we have to stay the market leaders and we have to help our advisors grow to the next level, big level, big level of production. Not only MDRT, MDRT, COT, TOT, वो सब वैसा है। तो आप बोल रहे हैं कि विजन आपका ये नहीं है, आपका ये भी विजन तो आपने जो अचीव किया है वो बड़ा है काफ़ी चीज़ें, इन क्या विजन क्या है आपका? व्हाट इज द, इससे 10% ये है तो और बाकी का 90% क्या है? वी वॉन्ट टू बी अ ग्लोबल कंपनी, वी वॉन्ट टू हैव ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड एंड वी वॉन्ट टू हैव 50,000 एडवाइजर्स वर्किंग फॉर कॉन्टिनेंटल ऑफरिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस टू देयर क्लाइंट्स। दैट्स माय विजन। क्या बात है। तो ये 50,000 जो एडवाइज़र है पूरे ग्लोब से आप होंगे? ओके। तो इसमें 50,000 जो आपके एडवाइज़र, आपका विजन है उसमें इंडिया कितना परसेंट रोल निभाता है? 50% जो है वो, मतलब इतना पोटेंशियल आपको इंडिया में दिखता है? इंडिया में LIC के सिर्फ 1.25 मिलियन एजेंट्स हैं, सिर्फ LIC के। करेक्ट। मैं सिर्फ 50,000 की बात कर रहा हूँ। 25,000 25,000
एंड वी ऑल वर्क टुगेदर टू एनहांस एंड हेल्प ईच अदर ग्रो। एक कंपनी बनानी है जिसमें मैं क्वालिफाइड एजेंट्स को लेके आऊँ, उनको प्लेटफॉर्म दूँ ताकि वो आगे जाके ऑफर कर सकें। वो बोलते हैं कि शायद मैं 62 में मैंने सब कुछ कर लिया, मैं तो कहता हूँ अभी 73 में मैंने अभी कुछ नहीं किया। रिटायरमेंट इज़ नॉट अ गुड वर्ड, लाइफ इज़ अ स्टेज एंड वी ऑल एग्री। व्हेन आई लीव द स्टेज आई वांट टू बी इन द मिडल ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंस। हम 500-700 करोड़ तक की पॉलिसी बेच सकते हैं इंडिया में, बट दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव टू गो टू द क्लाइंट्स एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। कोई तो व्यक्ति बोल रहा था कि आपका कैबिन नहीं है। हाँ, मेरा कैबिन नहीं। आपका कैबिन नहीं है तो आप कहाँ बैठते हैं फिर? तो अभी अगर मैं बोलूँ तो आपके साथ में मुझे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ एक ब्रिटिश नागरिक मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। हमारे एंडी कोल हैं, ही इज इन चार्ज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। या हाय एंडी, ही हैज एंडी हैज बीन इन दुबई फॉर लास्ट 25 इयर्स। एंडी 32 इयर्स। ही कम्स फ्रॉम, ही इज एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल एंड वी आर वेरी हैप्पी टू have him on board. We were able to pull him out of his retirement. So, बहुत बढ़िया, बहुत we kidnapped you. तो अभी जैसे कि मुझे we kidnapped you and we didn't have to pay a ransom. मेरा problem क्या मालूम है कि जब कोई अंग्रेज बात करता है ना मेरे सामने, मुझे ऐसा लगता है वो गरारे ले रहा है, मेरे को नहीं समझ में आता वो क्या। तो एक तो मुझे ब्रिटिश नागरिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे और भी अलग अलग कंट्री के लोग ऑलरेडी आपके साथ जुड़े? नहीं, हमारे पास इंडिया से बहुत हैं, फिलीपींस से हैं, यूके से हैं, अच्छा, साउथ अफ्रीका से हैं, डिफरेंट कंट्रीज, या पाकिस्तान से हैं थोड़े, सब जगह से हैं। सब जगह से हैं आपके पास में लोग। तो कैसा आपका, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, कैसा मतलब आपको क्या लगता है कि इसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है काम करने की? सब में कैपेबिलिटी है, ये नहीं कि इंडियंस में ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो ब्रिटिशर में नहीं है, सब में कैपेबिलिटी है। एंड वी वेरी प्राउड टू हैव आवर टीम, इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स अ कॉन्टिनेंटल फैमिली एंड वी ऑल वर्क टुगेदर टू एनहांस एंड हेल्प ईच अदर ग्रो। नहीं तो फिर अलग अलग कंट्री के लोगों को साथ में जब लेके चलना होता है, अभी इंडिया में तो लोग काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ लोगों को, लोग अपनी टीम बनाते हैं, जहाँ पे हम जो भी बना रहा है अपनी टीम बना रहा है उसको पता है कि ये इंडियंस हैं और इनका नेचर क्या है, सोच क्या है। हम दुबई में हैं तो इधर सारे हमारे लिए एक ही हैं, लेकिन से लोगों की सोच अलग नहीं होती, काम करने का तरीका मैनेज डिफ़िकल्ट नहीं होता? थोड़ा फ़र्क है, मगर जब हम उनको इन्वायरमेंट ऐसा देते हैं टू ग्रो एंड टू मेक देम फील एट होम। I want to give you one. जब हम ऑफिस खोलते हैं ना, जब हमने ये ऑफिस खोला, या हम पूजा करते हैं, क्रिश्चियंस अपनी बाइबल पढ़ते हैं और मुस्लिम्स अपनी नमाज पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? रोज ना, उस ओपनिंग के टाइम। सो इट इज़ नॉट द ओपनिंग ओनली ऑफ माई ऑफिस, बिकॉज दिस ऑफिस बिलोंग्स टू एवरी वन। सो वेन वी डू द ओपनिंग ऑफ द ऑफिस, वी रीड ऑल द रिलीजन्स, because it doesn't belong to one religion, it belongs to everyone. correct. to abhi thoda sa aapka office explore karte hain sir, aur bilkul ye area mujhe bahut acha laga, ye tabhi to humne advisors ko diya hai so that they can enjoy the area. bahut badhiya area. ye actually kya hai, samundar hai kya ye? nahi, lake hai. acha, aise hi just itna sa talab hai, talab jaisa man made. aur iska ye pani aisa hi हरा रंग का क्यों रहता है? ये इसमें कलर डाला है या नीचे टाइल्स हरे रंग की है? कुछ टाइल्स हैं, कुछ बहुत, बट पानी साफ है, पानी साफ है, पी नहीं सकते, पी नहीं सकते। ये जो ऑफिस है आपके, कंपनी में कितने लोग काम करते हैं आज की तारीख में? ऑफिस में अभी सारे ऑफिसर्स मिला के 300 के करीब होंगे। 300 लोग सारे ऑफिस, ऑल ओवर वर्ल्ड? ऑल ओवर, या तो आपके, आप बोल रहे थे कि ग्लोबल होना, तो ग्लोबल तो है आप ऑलरेडी अभी तो? किस किस कंट्री में आपके ऑफिस हैं? दुबई में हमारे 3 ऑफिस हैं, अबू धाबी में है,
मॉरिशस, जनीवा, हांगकांग। मॉरिशस में है, जनीवा में है, हांगकांग में है। अच्छा, हांगकांग में भी आपका ऑफिस? अभी हांगकांग में रिसेंट आपने ओपन किया है? हाँ, 3-4 साल हो गए। अच्छा, 3-4 साल हो गए। हांगकांग में भी हो गए, मॉरिशस में भी। मॉरिशस जनीवा को ज़्यादा टाइम हुआ, बट हांगकांग को 3-4 साल हो गए। तो अभी रिसेंटली आपका मतलब जो इमीडिएट आपका विजन है या जो इमीडिएट जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो? इंडिया, इंडिया गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी, ये कौन सी सिटी है सर? गिफ्ट सिटी किधर? मुंबई में। मोदी जी का जो है अहमदाबाद में, हाँ, गुजरात में, वो गिफ्ट सिटी है। हाँ, तो उधर से हम कुछ, अभी मेरे को पूरा मालूम नहीं है, बट उधर से हम कुछ इंटरनेशनल सॉल्यूशंस भेज सकते हैं। वहाँ से भेज सकते हैं? वहाँ से भेज सकते हैं। तो वहाँ पे यू आर प्लानिंग अभी इंडिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडिया में ऑफिस शुरू करने का एक्सप्लोर कर रहे हैं? आपका सहारा रहा तो जरूर। डेफिनेटली, डेफिनेटली, परफेक्ट, ग्रेट। तो ये जो आपका एरिया है, ये दिस इज फॉर द सेल्स? हाँ, सेल्स, ये आपका सेल्स टीम है? सेल्स मतलब ये लोग क्या डायरेक्ट मतलब एडवाइजर्स हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स? दे कैन कम हियर, दे आर योर पार्टनर्स, दे कैन कम एंड सिट हियर एंड दे कैन वर्क फ्रॉम हियर। यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर योर पार्टनर्स? हाँ, ये पार्टनर्स हैं, पार्ट ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द फैमिली। परफेक्ट, परफेक्ट। तो हाउ मतलब कैसा आपका, कैसे जब आपके कोई पार्टनर बन जाते हैं तो एक तो है कि वो यहाँ पे आके आपने उनको स्पेस दिया हुआ है, दे कैन कम हियर, यहाँ से काम कर सकते हैं, और कैसे आप उनको ग्रो कैसे करते हैं? हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, मैनेजर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं बिजनेस क्लोज करने के लिए, एंड या सो वो अपना, उनका बिजनेस अपना है, उनको अपने लीड्स वो करने हैं, और ट्रेनिंग वगैरह हम देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें, आगे नए नए सॉल्यूशंस जो आते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट को ऑफर करना चाहिए, वो सब हम एडवाइजर्स को सिखाते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ अशोक जी कि आपने ये जो जर्नी तय की है, ये जो आपकी जर्नी रही है इतने सालों की, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा बहुत सारे लोग दिखते हैं जिन्होंने जर्नी शुरू तो की लेकिन जो लेवल आपने हासिल किया है वो नहीं कर पाया, वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, वन मैन आर्मी काम कर रहे थे, आज भी वन मैन आर्मी काम कर, नो डाउट पैसा कमाया बट वो वन मैन आर्मी रह गए। हाँ, आपने ये जो एम्पायर खड़ा कर दिया, वो व्हाट डू यू थिंक सो, मतलब आप में और उनमें क्या फर्क दिखता है? नहीं, उनका अपना काम करने का तरीका है कि उनको खुद ही करना है। मेरे को ये, मेरी विजन ये थी कि मेरे को एक कंपनी बनानी है जिसमें मैं क्वालिफाइड एजेंट्स को लेके आऊं, उनको प्लेटफॉर्म दूं ताकि वो आगे जाके ऑफर कर सकें। सो नाउ वी कैन रीच मैनी मोर क्लाइंट्स। मैं अकेला तो कितने क्लाइंट्स को मिल सकता हूं? अब हमारे पास 100-200 एडवाइजर्स हैं तो कितने ज़्यादा क्लाइंट्स को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया अशोक जी, मैं ये सोचता हूँ आपने बहुत बड़ी बात बोली एक्चुअली कि 50,000 एडवाइज़र ग्लोबली यू वांट टू क्रिएट। या आपका एज क्या हो गया अशोक जी? अब व्हाट्स योर एज नाउ? 73 है आप? यंग, 73 यंग है। मैं आपको बोलूँ, मेरे को कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी एज 59 होती है या 62 होती है, तो वो बोलते हैं यार अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या करना है ज़िंदगी में, अब तो बस जो करना था वो हो गया, हो गया। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच होती है। वो बोलते हैं कि शायद मैं 62 में मैंने सब कुछ कर लिया, मैं तो कहता हूँ अभी 73 में मैंने अभी कुछ नहीं किया, मेरे को तो अभी आगे, मैं तो 25 साल का, आगे 10% ही किया खाली, अभी 90% आगे 25 साल का प्लान बना रहे हैं। जो हमारा आगे का प्लान है, जब हम प्लान डिस्कस करते हैं तो वी डिस्कस फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। नहीं तो फिर वो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना चाहोगे? व्हाट डू यू थिंक? आप जो बोलते सेटिस्फेक्शन है और आप अभी आपको 90% पारी और खेलनी है? नहीं, सबका अपना अपना सोच है। आई थिंक 62 और 73 इज टू यंग टू, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड रिटायरमेंट, बिकॉज रिटायरमेंट इज नॉट अ गुड वर्ड। लाइफ इज अ स्टेज एंड वी ऑल एग्री। When I leave the stage, I want to be in the middle of my best performance. नहीं, देखिए अशोक जी, मेरे
एक्चुअली मेरे दिमाग में ये आ रहा है अशोक जी कि आपने जो एम्पायर अभी क्रिएट किया है, सी एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज वर्किंग फॉर हैव अ गुड लाइफस्टाइल, एक अच्छा जिंदगी होना चाहिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें, तो वो सब चीज़ तो आपने क्रिएट कर दी है। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं सिर्फ काम नहीं करता, मैं अपने ग्रैंड किड्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं छुट्टियों पे जाता हूँ। अच्छा, काम करता हूँ, जब काम करता हूँ काम करता हूँ, जब छुट्टी पे जाता हूँ तो छुट्टी पे जाता हूँ। तो जब मैं काम करता हूँ तो मैं काम इन्जॉय करता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपने काम को एंजॉयमेंट बना लिया। यू आर एंजॉयिंग योर वर्क। आई एम एंजॉयिंग माय वर्क बट आई एंजॉय माय हॉलीडेज आल्सो। अच्छा, ये नहीं कि मैं छुट्टी पे नहीं जाता कि मेरे को सिर्फ काम ही करना है, मैं छुट्टियां भी बहुत लेता हूँ। मेरे दिमाग में, मतलब मैं आपको जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब आपको जब देखता हूँ और अपने आप को फील करता हूँ तो आप मेरे को है ना मेरे से ज़्यादा यंग दिखते हो। दिखता हूँ, हाँ ऐसे मेरे को लगते हो कि आप मेरे से ज़्यादा यंग हो, इतने फिट आप मेरे को दिखते हो। कैसे रखते हो आप अपने आप को इतना फिट एकदम? नहीं, ठीक टाइम पे सो, ठीक टाइम पे खाना खाओ, थोड़ा कम खाना खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, और कुछ में कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, अपना ध्यान रखो, ठीक है काफी। और बाकी मेरे को मालूम नहीं, मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन भी हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, मीठा कम खाता हूँ कभी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो अशोक जी, आप ये इतने सारे एडवाइज़र्स आपके साथ में काम करते हैं और कई लोग नए भी आते हैं आपके साथ, कई लोग पुराने भी हैं, तो सक्सेस होने का कोई सीक्रेट बता सकते हैं आप? मतलब कोई नया एडवाइज़र आपके पास में आ रहा है, सक्सेस होने का सीक्रेट कोई लंबा चौड़ा सीक्रेट नहीं है। आपको दिल से काम करना है, आपको बड़ा सोचना है, दिल से काम करना है, and you have to, in your profession, you have to be true to yourself, you'll succeed. तो ये तो नहीं है कि success के लिए आपको PhD होना पड़ेगा, PhD नहीं भी है तब भी आप successful हो सकते हैं। ये नहीं कि आपको number one class में होना चाहिए, आप अपने दिल से काम करो, बस दिल से काम करो, दिल से काम करो, enjoy what you do, believe in what you do. परफेक्ट, परफेक्ट। और क्या है बाकी अशोक जी? मैं तो इंडिया से हूँ और मुझे एक्चुअली आपके साथ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। बिल्कुल, ये जो आप जो काम कर रहे हैं मुझे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन जो हमारे इंडिया के फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनको ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्टिनेंटल के साथ में मिलके वो क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा आइडिया दें। जो इंडिया में एडवाइजर्स हैं कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़ के, दे कैन ऑफर इंटरनेशनल सॉल्यूशंस टू देयर क्लाइंट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंडिया के सॉल्यूशन हैं ठीक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, आप वो भी ऑफर करें, बट उधर एक अपॉर्चुनिटी है जो अभी हम इंडिया में ऑफ़र कर सकते हैं हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को। क्रिटिकल इलनेस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हाई वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस है, हम 500-700 करोड़ तक की पॉलिसी बेच सकते हैं इंडिया में, 1000 करोड़ की पॉलिसी बेच सकते हैं। तो ये आपको शायद इंडिया में नहीं मिलेगी। और जो इंडियन एडवाइज़र्स हैं उनके अगर क्लाइंट्स बाहर हैं, उनको इंटरनेशनल सॉल्यूशन चाहिए, तो ये एडवाइजर्स बेच सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। ओके। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या है? एक तो आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया के एडवाइज़र हैं, क्या उनके सामने जब ये बात जाएगी कि कॉन्टिनेंटल नाम से एक इंश्योरेंस इंटरनेशनल एडवाइज़र बनने की एक अपॉर्चुनिटी है, तो क्या ये इमिडिएटली उनको क्लिक कर जाएगा कि मुझे इंटरनेशनल एडवाइज़र बनना है, या आपको लगता है कि उनके मन में कुछ तर्क रहेंगे? हर एक डिसीजन ही लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो एक्चुअली करना चाहते हैं कि नहीं। ये नहीं कि अच्छा मैं इंटरनेशनल एडवाइज़र बन जाऊंगा, उसमें इनको स्टडी करना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट सीखने पड़ेंगे, क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। तो हाँ, बन सकते हैं, हमारे साथ अटैच होके हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको दुबई बुलाएंगे, अगर वो क्वालिफाई करते हैं वील टेक देम टू इंटरनेशनल MDRT वगैरह हम सब लेके जाएंगे।
but they have to work hard, they have to go to the clients, and there is an opportunity for them. सबके लिए नहीं है, but जो ठीक candidates हैं, definitely there is a huge opportunity. मैंने एक चीज सुनी थी अशोक जी के, आपका कोई वीडियो ही देखा था मैंने, उसमें ऐसा कोई तो व्यक्ति बोल रहा था कि आपका कैबिन नहीं है. हाँ, मेरा कैबिन नहीं. आपका कैबिन नहीं है तो आप कहाँ बैठते हैं फिर? जिधर आप कहेंगे मैं उधर बैठ जाऊँगा. नहीं तो कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे कि आपने अपना कैबिन नहीं बनाया. आपका कोई गेस्ट आता है, आपको कोई कस्टमर आता है, तो आपके आपने सोचा नहीं ऐसा कभी कि मेरा गेस्ट आएगा? गेस्ट आता है, कस्टमर आता है, ये सब. अच्छा, आप ऐसे बैठ जाते हैं? सब कमरे हैं, मीटिंग रूम्स हैं, तो उसमें हम मीटिंग करते हैं. मेरे को कमरे की क्या ज़रूरत है? या तो मैं क्लाइंट के ऑफिस जाके उसे इंश्योरेंस बेचता हूँ. अच्छा. या वो क्लाइंट आते हैं ऑफिस में तो मेरे ऑफिस में आके बात करते हैं. उसके अलावा मेरा स्टाफ है जो बाकी सब कुछ करता है. तो मेरे को कभी, मैंने अपना कमरा शायद 20 साल हो गए होंगे छोड़ दिया, 20 साल पहले कमरा छोड़ दिया. अभी ना मेरी टेबल है, ना मेरे टेबल पे कोई कागज़ होते हैं. मेरे को कुछ नहीं देखना, मेरे को सिर्फ क्लाइंट से बात करनी है, उसको कन्विंस करना है, बाकी काम ऑफिस वाले करते हैं. नहीं तो ये एक सीक्रेट है क्या? ये एक सीक्रेट है कि जो अगर मुझे एक नेक्स्ट लीग में जाना है, then I have to leave my cabin. You should give up your office. Tell me, why do you have an office? As a salesperson, as an insurance advisor, why does he need an office? आपके clients आपके office आते हैं? अगर आप client के office जा रहे हो तो आपको अपने office की क्या ज़रूरत है? अभी आप कहते हो मैं तो top producer हूँ. अगर मैं top producer हूँ तो मेरे office का, मेरे सबसे बड़ा कमरा मेरा होना चाहिए. मैं कहता हूँ क्यों? अगर आप क्लाइंट के बाहर, क्लाइंट के ऑफिस जा रहे हैं उसे मीटिंग के लिए, तो आपको कमरे की क्या ज़रूरत है? और अगर क्लाइंट आपके ऑफिस आ रहा है तो किसी भी मीटिंग रूम में बैठ जाए. आजकल तो कंप्यूटर है, मैं लैपटॉप लेके कहीं पे भी बैठ जाता हूँ. कभी पैंट्री में बैठ जाता हूँ, कभी इधर बैठ जाता हूँ, जिधर मेरे को फुर्सत. मेरे को और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ क्लाइंट से बात करनी है, उसको कन्विंस करना है. मेरे को सिर्फ उसी के पैसे मिलते हैं. करेक्ट करेक्ट. एक चीज़ मैंने और अशोक जी आपने देखी है कि आप, आपके साथ में जो लोग भी काम करते हैं, आप फ़ोन करके उनको ऐसा बोलते हैं, हाउ इज द डे, हाउ इज योर डे, ये क्या है? नो, उसे मेरे को पता चलना चाहिए कि दफ्तर में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं. तो वो बताते हैं कि मैं किसी को मिला, केस क्लोज हुआ. उनको भी खुशी होती है, मेरे को भी खुशी होती है कि कुछ केस क्लोज हुआ है. तो इस हिसाब से आई स्टे इन टच विद देम. सबसे बात मतलब एवरीडे यू टॉक एवरीबॉडी. मैं सबसे नहीं रोज बात करता, फिर वो तंग हो जाएंगे. तो दो तीन दिन में किसी से बात कर ली, या कुछ काम हुआ तो बात कर ली. या आई स्टे इन टच विद देम. नहीं, लेकिन अभी इतने सारे लोगों को मैनेज करने का आपका, कभी आपकी इतने 50,000 लोग हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे. देखो, तो सिर्फ इंश्योरेंस बेचने, बाकी सब दफ्तर काम करेंगे. बाकी सब क्या? दफ्तर वाले काम करेंगे. मैं तो सिर्फ जाके क्लाइंट के सामने बैठ के इंश्योरेंस बेचूंगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक चीज़ और मैंने देखी, आपके ऑफिस ऐसे सर्कल है, मतलब घूमते हुए फिर अपन वहीं पर आ जाते हैं. ये आपका कुछ स्ट्रेटेजी था, आइडिया था, सोच थी, ऐसा गोल ऑफिस? नहीं, हमने ये पूरा फ्लोर लिया. जब पूरा फ्लोर लिया था तो यही था कि सारी दीवारें तोड़ देंगे और पूरा एक फ्लोर हो जाएगा. अच्छा, इसमें अलग अलग ऑफिसेस थे? अलग अलग ऑफिस. वो सब आपने तोड़ दिया? सब तोड़ के एक ही ऑफिस बना दिया. क्या कल हम आपको दूसरे ऑफिस लेके जाएंगे? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो मुझे, ये आपका हेड ऑफिस है ना? ये हेड ऑफिस है. ये हेड ऑफिस बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. और इसका डेकोरेशन का काफ़ी सारा क्रेडिट अक्षय को जाता है. अच्छा, हाँ, आपका लड़का, योर सन, ये सब उसी का काम है. ये सब उसी का. हाँ, क्या बात है, क्या बात है. बहुत बहुत यूनिक ये जो है, इसके इंटीरियर जो है बहुत यूनिक. पेड़ पौधे आपने सब असली है? सब असली है. इधर सब असली, नकली कुछ नहीं. नकली वाकई में रिसेप्शन एरिया इज़ वेरी ग्रीनरी. बहुत बढ़िया सर, ग्रेट. आपको ऑफिस देख के बहुत मज़ा आया. थैंक यू वेरी मच. और आपसे बात करने में तो मज़ा आया ही है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन आपके अंदर जो एक एनर्जी है, एनर्जी लेने में मज़ा आया. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. माय अपॉर्चुनिटी, माय प्लेजर. थैंक यू सर, थैंक यू. BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.